नेक्स्ट एग्जांपल, डज दिस कंपाइल दिस कोड विदाउट एनी एरर और नॉट। इस कोड के केसेस में बात करें, फर्स्ट वन, इनिशियली मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन किया वन लोकल वेरिएबल कॉल्ड एज के विदाउट इनिशियलाइजेशन। जैसे ही कंट्रोल मेन के अंदर एंटर हुआ, मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म कराएं फॉर लोकल वेरिएबल एज के। नेक्स्ट टाइम कंट्रोल सेंड हुआ इनसाइड बॉडी ऑफ लोकल ब्लॉक। लोकल ब्लॉक के रिस्पेक्ट में अगेन वन मोर वेरिएबल क्रिएट हुआ ऑल्सो के। फाइनली स्टैक मेमोरी में टू लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होंगे विद सेम नेम्स के एंड के। लेकिन इस केस में प्रायोरिटी किसको मिलेगा? लोकल टू द स्टैक और लोकल टू द ब्लॉक। इस ब्लॉक में करंटली के फाउंड रहा है, दैट वन। देन वन मोर थिंग्स, इस केस में इनिशियलाइजेशन प्रोवाइड किया, कंडीशन प्रोवाइड किया सेम एज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में प्रॉपरली प्रोवाइड किया। लेकिन इस केस में बॉडी को टर्मिनेट किया बाय यूजिंग सेमी कॉलन्स। इट इज ऑल्सो वैलिड सिंटैक्स, मीन्स इस केस में लूप का बिहेवियर सेम रहेगा। फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, देन बॉडी। जब एग्जीक्यूशन कंट्रोल बॉडी सेशन में एंटर हुआ, इस केस में बॉडी का टाइप क्या है? एम्प्टी। मीन सिंपली एंटर करने जस्ट बाद अगेन चांस किसको प्रोवाइड, मीन्स बॉडी सिंपली स्किप हो जाएगा। बॉडी को स्किप करा के चांस प्रोवाइड करें टू द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस, देन सेम मैनर्स। लेट्स सी सॉल्व दिस एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइडिंग मेमोरी एलोकेशंस, मीन्स इस केस में कोड सक्सेसफुली कंपाइल हुआ प्लस सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ। व्हाट इज द आउटपुट? लेट्स सी दिस। फर्स्ट वन सीक्वेंस वन, देन सीक्वेंस टू, मेमोरी एलोकेशन फॉर लोकल वेरिएबल के। के क्रिएट हुआ एज अ टॉप ऑफ द स्टैक। नेक्स्ट वन सीक्वेंस थ्री के केस में कंट्रोल एंटर हुआ इनसाइड दिस ब्लॉक। जैसे ही कंट्रोल इस ब्लॉक में एंटर हुआ, देन अगेन क्रिएट करेंगे मेमोरी एलोकेशन फॉर एन अदर वेरिएबल के। मीन्स फाइनली स्टैक के अंदर टोटल वेरिएबल्स कितने? टू लोकल वेरिएबल्स विद सेम नेम्स। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसमें मिलेगा? सेकंड, सॉरी टॉप वन, विच इज लोकल। देन इसके बाद लूप के रिगार्डिंग बात करें, लूप को इसको कंसिडर कर सकते लाइक दैट। अगर किसी भी लूप के केसेस में अगर लूप का बॉडी सेमी कॉलन से टर्मिनेट हुआ विदाउट प्रोवाइडिंग एनी एग्जीक्यूटिवल स्टेटमेंट, इस केस में इस टाइप के लूप को कंसीडर करेंगे जनरली डमी लूप और डमी इफ स्टेटमेंट। इफ के केस में डमी इफ, लूप लूप के केस में डमी लूप। सिंपली इसको कंसीडर कर सकते हैं, मीन्स दिस इज द ओपनिंग, दिस इज द क्लोजिंग, मीन्स एम्प्टी बॉडी। ओनली मार्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करेंगे समथिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इसके बिटवीन में क्या फाउंड हो रहा? समथिंग एम्प्टी सेमी कॉलन, देयरफॉर इट इज कंसीडर्ड एज एम्प्टी लूप। जनरली एम्प्टी लूप और डमी लूप भी मोस्टली यूजफुल होंगे इन केस ऑफ ड्यूरिंग स्ट्रिंग ऑपरेशन। जब भी स्ट्रिंग का लेंथ काउंट करना, देन इस टाइप के लॉजिक्स काफ़ी यूजफुल रहेंगे। फर्स्ट वन, देन इनिशियलाइजेशन थ्री, देन सीक्वेंस फोर। फोर सीक्वेंस पर परफॉर्म किया, इनिशियलाइजेशन इन के केस में आसान क्या हो जाए? जीरो। देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट कराएं, देन के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ के। वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है? जीरो। जीरो लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू होने पर चांस किसको प्रोवाइड करेगा? फाइव सिक्स बॉडी, लेकिन बॉडी पार्ट कैसा है? एम्प्टी। देन लीव इट सिंपली सेवंथ केस में परफॉर्म के प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ के बिकम्स वन सेवन। देन एट्थ अगेन कंडीशन टेस्टिंग, के का वैल्यू वन फाउंड हो रहा, रिप्लेस कराएं वन। वन लेस देन थ्री, कंडीशन इज ट्रू। ट्रू है, देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूशन। एट नाइन एम्प्टी बॉडी लीव इट, देन के प्लस प्लस। टेन के प्लस प्लस हो तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा इस केस में? टू। देन अगेन टेन के बाद नेक्स्ट वन क्या है? के प्लस प्लस के बाद कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन टेस्ट करना, अगेन कंडीशन में के का वैल्यू फाउंड हो रहा है टू। टू लेस देन थ्री, कंडीशन इज अगेन ट्रू। कंडीशन ट्रू है, देन अगेन बॉडी एग्जीक्यूट कराएं इलेवन के जस्ट बाद। नेक्स्ट वन क्या है? ट्वेल्व बॉडी एग्जीक्यूशन, बॉडी के जस्ट बाद अगेन परफॉर्म क्या कराएंगे? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन एज थर्टीन। के प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ के बिकम्स थ्री। कंडीशन टेस्टिंग थर्टीन, देन फोर्टीन। कंडीशन में के का वैल्यू पुट कराएं थ्री। थ्री लेस देन थ्री, कंडीशन बिकम फॉल्स। फॉल्स देन कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी, मीन्स फोर्टीन के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट सेक्शन क्या है? फिफ्टीन। बॉडी के बाद जब प्रिंट एफ को चांस प्रोवाइड हुआ, प्रिंट एफ के अकॉर्डिंग कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ? आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप। देन अभी भी मीन्स कंट्रोल का इनसाइड इनर ब्लॉक, इनर ब्लॉक के अंदर के का वैल्यू फाउंड हो रहा है थ्री। प्रीवियस के का वैल्यू क्या? समथिंग गार्बेज। देन अगेन इस के अकॉर्डिंग डिस्प्ले किया जाएगा करंट वैल्यू ऑफ के, विच इज थ्री, आउटपुट इज थ्री। इसके जस्ट बाद जब कंट्रोल फिफ्टीन का सिक्सटीन केस में कंट्रोल का सेंड हुआ आउटसाइड दिस लोकल ब्लॉक, देन मेमोरी इज डी एलोकेटेड। देन नेक्स्ट टाइम सेवनटीन जब कंट्रोल मेन ब्लॉक से बाहर आया, देन परफॉर्म किया डी एलोकेशन फॉर दैट के। इस टाइप से फाइनली इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? थ्री।